देव वही सोचा वरना हंसकर आ जाए। तो भाई तुम्बाड़ मूवी तो देखो तुम सबने देखी होगी, बट क्या तुम लोगों को पता है कि भाई उस मूवी को बनने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया था। उसका पहला बीज जो था वही 1993 में बोया गया था और मूवी भाई बन के तैयार हुई 2018 में। नागजीरा के जंगलों में था। इट वॉज ए डार्क नाइट। देयर वाज दिस भयंकर चेहरे का एक मेरा दोस्त था और उसने मुझे एक बहुत भयंकर कहानी बतानी शुरू की। उस रात को मेरी जो फट गई थी, इट वॉज मिस्टीरियस बट इट वॉज सो स्केरी, वो मेरे जहन में रह गई। और भाई कितने सारे लोगों ने भाई इस मूवी की स्टोरी को भाई रिजेक्ट कर दिया बनाने से। तो चलो भाई इस बारे में बात करते हैं आज, पूरी तुम्बाड़ की जो लेगेसी रही है वो कैसे बनी, उस कहाँ से शुरुआत हुई, किसने बनाया, कैसे किया, उस पर बात करेंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ बॉली हॉली की तरफ से आर्यन। चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट। तो इस स्टोरी के राइटर जो हैं राही, उनको भाई एक 1993 में उनके किसी फ्रेंड ने एक स्टोरी सुनाई थी जिसको कि उनके दिमाग में वो स्टोरी अटक गई और भाई उन्होंने एक फर्स्ट ड्राफ्ट जो लिखा था उस स्टोरी का वो लिखा था उन्होंने 1997 में, जिसको उन्होंने लिख कर रख लिया कि हाँ यार स्टोरी अच्छी है और इस स्टोरी को एक अच्छे टाइम पर और अच्छे इंसान को सुनाएंगे जो कि यार इस पर कुछ अच्छा बना सके। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ तुम्बाड़ इन 97 when I was 18, without exaggeration, between 50 to 70 drafts. In 2009 and 2010, it took me 8 months. I've created a 700 pages of storyboard. अब इसी बीच इन्होंने भाई स्टोरी को कंप्लीट करके जैसे तैसे कई लोगों को दिखाया, लेकिन भाई सभी लोगों ने अपने हाथ पीछे कर लिए भाई, रिजेक्ट कर दिया स्टोरी को। उन सबको पसंद आती थी लेकिन भाई वो पैसा नहीं लगाना चाहते थे। जैसे तैसे मूवी भाई एक बंदे को पसंद भी आई और फिर भाई इस मूवी को सिलेक्ट भी किया गया और फिर यार इस मूवी के बनने का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ। और शॉकिंग बात यह है कि यार 2008 में ये मूवी बनने वाली थी और जहाँ पर इसमें लीड रोल प्ले करते नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मगर सम काइंड ऑफ यार उस टाइम में ये मूवी नहीं बन पाई, जिसके बाद भाई 2012 में इस मूवी का बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन भाई उससे पहले ये मूवी ऑलरेडी भाई 3 बार बनती रह गई, यानी कि कुछ लोगों ने इस मूवी पर काम स्टार्ट भी किया लेकिन भाई 3 बार इस मूवी को बंद कर दिया गया। उसके बाद हमारे राही साहब की भाई मुलाकात होती है सोहम शाह और भाई आनंद गांधी से, जिन्होंने कि भाई इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने भाई इस मूवी को बनाने का जिम्मा लिया। जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी उसमें एक सीड था क्रेजीनेस का। It didn't look like anything that I had seen. भूत नहीं डराते, इंसान डराते। फिल्म ऐसी लगती जैसे वो दादी माँ की जो स्टोरीज हुआ करती थी ना, जो हम विक्रम वेताल सुनते थे या पंचतंत्र की कहानियां सुनते थे। But a little darker than those. Like we've concocted our own mythology. अब सोहम शाह ने और भाई आनंद गांधी ने भाई इस मूवी को पूरा बनाकर तैयार कर लिया था 2012 में ही, और फिर उन्होंने जितना बनाया था जैसी वो स्टोरी थी, उन्होंने जब प्रोडक्ट को देखा तो भाई खुद ही सेटिस्फाई नहीं हुए कि वो इतनी अच्छी स्टोरी को जस्टिफाई नहीं कर पाए। मतलब उन्हें कुछ कमी मूवी को बनाने में लगी और कुछ कमी उन्हें स्टोरी की भी लगी। अब जब यार देखो कोई बंदा यहाँ पर पहुँच जाता है ना, तो वो जैसे तैसे चाहता है कि भाई बस चलो यार कोई बात नहीं, इतना हो गया काफ़ी है। बट हमारे यहाँ पे भाई सोहम शाह ने भाई इस मूवी को अलग ही लेवल पर ले गए। उन्होंने भाई डिसीजन लिया कि वो यार इस मूवी को दोबारा राइट करेंगे और भाई इस पूरी फिल्म को दोबारा से बनाएंगे। एंड भाई ट्रस्ट मी, ये भाई एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि यार वो अपनी कोई भी चीज़ पर इतनी मेहनत करके पूरी बना दे और फिर वो उसे पसंद आए तो भाई वो फिर से दोबारा बनाने लग जाए। अब उसके बाद भाई 2012 में इस मूवी को दोबारा से बनाना स्टार्ट किया गया, लेकिन भाई इस मूवी को तब भी बनाने में भाई 3 साल लग गए, यानी कि 2015 तक मूवी बन के तैयार हुई। अब यार आजकल की मूवी जो है भाई वो मुश्किल से 6 महीने के अंदर बन जाती हैं, और अगर भाई मूवी में तुम्हारी अक्षय कुमार है तो भाई मूवी का तो सोच लो 2 महीने में पैकअप। पर यहाँ पर थे भाई हमारे सोहम शाह सर, जिन्होंने भाई इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया था और उन्होंने इस मूवी को बनाने के लिए भाई अपनी ज़मीन तक की दाव पे लगा दी थी। हाँ, इस मूवी के लिए भाई उन्होंने जो पैसा उठाया था वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख के उठाया था और तब जाकर उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया, इस मूवी को बनाया। एंड फाइनली भाई 2015 में उनके पास ये मूवी बनकर तैयार हो गई। एंड भाई यहाँ तक आते आते जो इस मूवी के दूसरे प्रोड्यूसर थे आनंद गांधी, उन्होंने भी भाई इस मूवी को छोड़ दिया था। इस मूवी से भाई उन्होंने भी कदम पीछे हटा लिए थे कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। इसी वजह से भाई सोहम शाह को भाई इस मूवी के लिए अपना खुद का पैसा लगाना पड़ा, इस मूवी का प्रोड्यूसर बने वो, और भाई उन्होंने अपनी ज़मीन तक की दाव पे लगा दी थी इस मूवी में बनाने के लिए। और ये सब सिर्फ इसलिए कि भाई इस मूवी को उन्होंने पूरा तरह बनाना था और इस मूवी का प्रोडक्शन ना रोके। और तो और भाई ये सब चीज़ें होने के बावजूद भाई उन्होंने 6 साल तक अपना जो विनायक का रोल उन्होंने प्ले किया था इस मूवी के अंदर वो भाई मेंटेन रखा था। मैं हूँ नहीं जिम वाले कल्चर से, मेरे खानदान में किसी ने जिम किया नहीं है। हमारे मतलब कहावत है कि बानियों के बेटे वजन नहीं उठाते तो मैं उस जगह से आता हूँ, तो वहाँ से जिमिंग मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था यार। पर राही इतने इन्वेस्टेड थे कि यार उनको एक सर्टन लुक चाहिए था विनायक का, तो मैंने जिमिंग की, रोप क्लाइंबिंग की मैंने। मैं उस समय जयपुर रहता
रहता था, मेरी एक जगह थी वहाँ पर, मैंने एक पेड़ पे रस्सी बांध कर मैं प्रैक्टिस किया करता था। इस मूवी में भाई इन्होंने स्ट्रगल क्या क्या झेले इस मूवी को बनाते टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, मूवी की स्टोरी के हिसाब से तुम्बाड़ फिर हमेशा भाई बारिश होती रहती है, क्योंकि भाई वही अपना हस्तर वाली और भगवानों वाली जो लड़ाई थी, इसलिए भगवान का प्रकोप जो था वो हमेशा तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरसता रहता है। तो भाई इतना पैसा तो था नहीं कि यार वो बड़े बड़े टैंकर मंगाए और भाई अपनी नकली वाली बारिश करवा सके, तो उन्होंने भाई ये जो जितने भी बारिश वाले सीन है या फिर जो भी तुम्बाड़ के आसपास के सीन है वो भाई रियल बारिश के अंदर शूट किए गए हैं। या फिर वो वेट करते थे कि भाई बारिश हो जाए या फिर ऐसा मौसम हो जाए कि भाई लगे कि हाँ बारिश होने वाली है या फिर होकर रुक चुकी है। और ऐसे भाई मानसून में शूट करने के लिए भाई उन्होंने पूरे एक एक साल वेट किया है इस मूवी को बनाने के लिए। और तो और भाई हर एक लोकेशन पे भाई उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखानी थी जो कि भाई आज के टाइम की दिखे, यानी पीछे कोई टावर या फिर कोई भी वायर ऐसी ना दिखे कि भाई दिखे कि यार बिजली है इस टाइम में, तो क्योंकि यार की कहानी जो थी भाई पुराने टाइम की दिखानी थी उनको, तो अगर बैकग्राउंड में कोई भी टावर आ जाता या कोई भी वायर दिख जाता तो भाई वो साफ सीधा वो स्टोरी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं बैठता उसका। और मूवी का भाई इतना भी बजट नहीं था कि भाई वो VFX इन चीज़ों पर लगा सकें, और VFX भाई उन्होंने लगाया है लेकिन भाई जिस चीज़ पर लगाना चाहिए था उसी पर यूज़ किया है, यानी कि हस्तर पर। इतना पतला सा आदमी इतना सब लेके नहीं करता, लेकिन समझ में वो इंटरनल ऐसी एनर्जी है उसमें। एंड ही जस्ट सरप्राइज्ड अस, ही सरपास्ड ऑल आवर एक्सपेक्टेशंस। तो उन्होंने मेजरमेंट लिया मेरी बॉडी का, फिर उसके बाद जब हमने वो पहनना स्टार्ट किया उसमें प्रोस्थेटिक के मेकअप में लाइक 6 घंटे लगते थे, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लाइक नाक बंद रहता था, मुँह ऐसे खुला था। 15-20 किलो का प्रोस्थेटिक्स पहन के दिन रात काम करता था और उसके अंदर गर्मी भाई बहुत ज़्यादा लगती थी। और यही खर्चा बचाने के लिए भाई उन्होंने सिर्फ लोकेशन ऐसी चूज़ करी जिनमें भाई दूर दूर तक भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर वायर या फिर टावर नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा झंझट भाई ये था कि भाई पूरे सेट को और क्रू को भाई सारे इक्विपमेंट्स ले जाके भाई इतनी दूर जगह पे भाई शूटिंग करना, बसाना वहाँ पर, और भाई खाना पीना खर्चा, भाई रहना खाना बहुत ज़्यादा झंझट होता है भाई। तुम लोगों ने देखा अगर कभी भी कोई मूवी का या फिर किसी भी चीज़ का शूट देखा है तो भाई तुम समझ सकते हो कि भाई कितना हेडेक बन जाता है एक आदमी के लिए। अब देखो इस मूवी को शूट करने के बाद भाई VFX और सारी चीज़ों के लिए भी इतना बजट नहीं था कि भाई वो डायरेक्टली इसको स्टार्ट करा सकें, तो भाई इसको भी करवाने में उन्हें भाई 2.5 साल लग गए, क्योंकि उन्हें अपने बजट के हिसाब से ही किसी VFX कंपनी को हायर करना था जो कि भाई उनके कंफर्टेबल बजट के अंदर ही सारी चीज़ें कर दे। और फिर भाई अजय अतुल का भाई म्यूज़िक भी वो भी है 2.5 साल के अंदर ही किया गया है। तो ऑल ओवर मूवी का भाई बनने के बाद म्यूज़िक और भाई VFX CGI जितना भी काम था पोस्ट प्रोडक्शन का वो सब भाई सिर्फ 2.5 साल के अंदर हुआ है, यानी कि 3 साल मूवी को बनने में लग गए और भाई 2.5 साल अलग। देन फाइनली भाई 2018 तक भाई ये मूवी बनकर तैयार हुई और भाई हमारे आनंद एल राय सर ने भाई इस मूवी को देखा या फिर हमारे शोम सागर से जो भी बातचीत हुई तो भाई उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मूवी को प्रेजेंट करेंगे अपनी तरफ से। उन्होंने भाई इस मूवी को प्रेजेंट किया और भाई इस मूवी के जब रिलीज़ होने के बाद भाई इस मूवी ने 12 करोड़ का अपना कलेक्शन किया था, जबकि इस मूवी का भाई कोई क्लियर बजट सामने नहीं आया, कहीं पर 15 करोड़ मेंशन है, कहीं पर भाई 5 करोड़ मेंशन है, लेकिन भाई बजट चलो कितना भी हो लेकिन भाई इस मूवी ने जितना भाई पैसा नहीं कमाया भाई उससे ज़्यादा इस मूवी ने नाम कमाया। और भाई इस मूवी ने भाई जो इज्जत बनाई है ना अपनी, वो भाई अब तक किसी भी हॉरर मूवी ने नहीं बनाई आज तक। पूरे भाई आज तक भी जितनी हॉरर मूवीज़ बनी हैं उन सब हॉरर और या फिर मिस्ट्री मूवीज़ का भाई उस मूवी ने सीन ही चेंज करके रख दिया है। और भाई पब्लिक की डिमांड है कि भाई वो इस तरह की मूवी चाहती है। और आनंद एल राय सर की वजह से भाई ये मूवी इंडिया में थोड़ा 600 स्क्रीन पर रिलीज़ हो पाई थी, अगर भाई वो नहीं होते तो भाई इस मूवी को स्क्रीन्स तक देने से मना कर दिया था, क्योंकि भाई थिएटर डिस्ट्रीब्यूटर्स को भाई पता था कि यार इस मूवी को देखने कौन ही आएगा। और हालांकि उनकी बात सही भी थी कि भाई ज़्यादा लोग नहीं गए, ऑलमोस्ट भाई मैं भी नहीं जा पाया उस टाइम में, क्योंकि भाई ना ही मैं भाई इतना बड़ा था और ना ही मेरे भाई इतनी समझ थी। एंड ऑलमोस्ट भाई तुम भी उसी कैटेगरी में से आते हो भाई, ज़्यादातर लोगों ने ये मूवी थिएटर में नहीं देखी, लेकिन भाई जब ये मूवी OTT पर रिलीज़ हुई थी तब भाई सबको समझ आया कि भाई ये खरास होना था। इतने दिनों तक सिनेमा में रहना और इतना प्यार मिलना आप लोगों के प्यार के बिना मुश्किल था यार, कि एक साल हो गया फिर भी लोग डिस्कवर कर रहे हैं, फिल्म को ढूंढ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों के इतने मैसेजेस आते हैं कि री रिलीज़ कर दीजिए फिल्म को। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने ना अमेजोन पे देखी है पर थिएटर में नहीं देख पाए, हमने मिस कर दी। पर फिर भी 600 स्क्रीन्स पर भी रिलीज होने के बावजूद भी भाई इस मूवी ने 12 करोड़ का बजट अपना बनाया था अच्छा खासा। बट खैर एट द एंड भाई बहुत अच्छी बात है कि भाई ऐसी मूवी को अपनी जो लेवल था वो मिला और भाई इस मूवी की आज लोग वैल्यू समझते हैं। एंड मैं भाई देखो गारंटी के साथ कहता हूँ कि यार अगर ये मूवी आज थिएटर में लगी तो भाई पब्लिक
टूट पड़ेगी भाई इस मूवी को देखने के लिए। मैं भी भाई 2-3 बार तो देख के आऊँगा इस मूवी को। अब देखो तो मैं इस मूवी से रिलेटेड एक फैक्ट बताऊँ तो भाई तुम्बाड़ नाम की जगह रियल में एग्जिस्ट करती है, जो कि भाई महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और यार देखो इस मूवी का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट भाई ये रहा है कि भाई इस मूवी को 2018 में 75th वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भाई इंडिया की तरफ से पहली मूवी गई है, वहाँ स्क्रीनिंग हुई इस मूवी की। और भाई वहाँ पर क्रिटिक्स को ये मूवी भाई बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इस मूवी को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था वहाँ पर। एंड सोहम शाह ऑल्सो शॉक्ड कि भाई उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि यार उनकी मूवी को इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। इस मूवी के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर जो थे राही अनिल भाई, उन्होंने भी कभी भाई यकीन नहीं करा था कि 18 साल की उम्र में उन्होंने जिस स्टोरी को स्टार्ट किया था वो इतने लेवल तक पहुंच पाएगी। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यार ये फिल्म फेस्टिवल चली जाएगी, और हमारा एक इतिहास था फेस्टिवल जाने वाला फिल्मों का, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो जब वहाँ से कन्फर्मेशन आया तो मैं तो यार सरप्राइज हो गया कि यार ये क्या हुआ, इतना प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो बहुत मज़ा आया यार हमें, और वहाँ जो रिव्यू मिले बहुत अफलातून रिव्यू मिले, मतलब वैसे रिव्यूज अगर इंडिया में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। एंड एट द एंड देखो हम सब यार इस मूवी के पार्ट टू का वेट कर रहे हैं। अब देखो इस मूवी का पार्ट टू कन्फर्म तो हो चुका है कि भाई आने वाला है, लेकिन भाई कब तक ये कुछ नहीं पता। बाकी इस मूवी के भाई मेकर्स की तरफ से लास्ट अपडेट जो आया था वो भाई नवंबर में आया है। सोहम शाह ने भाई एक जूम इंटरव्यू में भाई ये चीज़ कंफर्म की थी कि भाई इस मूवी के भाई वो ट्रिलॉजी बनाना चाहते हैं, इस मूवी की स्टोरी को ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सम काइंड ऑफ यूनिवर्स। बट वो इस मूवी को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा इसकी स्टोरी को एक्सपैंड नहीं करेंगे कि भाई खींचाता नहीं ना दिखे, बस तमीज़ से तरीके से ट्रिलॉजी के अंदर वो इस पूरी कहानी को ख़त्म कर देंगे। एंड भाई देखो पार्ट वन जो था भाई वो रह गया हम सबसे, बट भाई इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री भाई बिल्कुल मिस नहीं करेंगे हम लोग। चलो फिर बात करते हैं भाई तुम्बाड़ मूवी की स्टोरी की। इस मूवी की देखो कहानी कुछ कुछ हॉरर भी लगती है, कुछ कुछ भाई थ्रिलर भी लगती है, और मिस्ट्री भी लगती है इसमें, भाई फैंटेसी जॉनर लगता है हमें, माइथोलॉजिकल टच भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन भाई इसकी कहानी असल में थी क्या? तो देखो इस मूवी के जो मेकर हैं राही अनिल बर्वे, उन्होंने भाई साफ सीधा इस कहानी को बताया कि भाई वे एक फैमिली की कहानी है जिसकी 3 जनरेशन में लालच चलता हुआ आ रहा है, और उस लालच के ख़त्म होने तक ही ये कहानी है। तो देखो यार विनायक की जो फैमिली की हमने स्टोरी देखी तुम्बाड़ मूवी में, भाई ये अराउंड सिर्फ लालच के आसपास देखने के लिए मिलती है हमें। अब हाँ इनकी फैमिली के आसपास भी हमें जो कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं वो सभी के सभी भी लालची थे, लाइक वो अपनी पूरी ज़िंदगी या फिर उनके जो भी पर्पस था वो सिर्फ भाई एक अपने लालच के चक्कर में ही इधर उधर घूमते रहते थे, और सारी हरकतें उनके सारे पर्पस सिर्फ लालच के लिए ही जाते थे। वो कभी कोई ज़्यादा पैसा चाहता है, कभी कोई भाई लस्टी है बहुत ज़्यादा, लाइक हमारे विनायक का जो दोस्त था जो गुफा के अंदर गया यानी कि देवी की कोख के अंदर गया था और उसका क्या हाल हुआ था हम सब ने देखा था। और फिर हमारे विनायक का बेटा जो कि भाई उससे ज़्यादा लालची था, जिसका वो मेनली आइडिया ही था। और हमारे विनायक की दादी जो कि भाई लालची थी, और भाई उसका भी देख लो हस्तर ने वही हाल किया था। और फिर उसके बाद हमारे विनायक की माँ जिसने भाई अपना बेटा खो दिया, और उसके बाद उसे भी ये चीज़ समझ आ गई कि लालच बुरी चीज़ है। विनायक जो था वो भाई हमारे सरकार जो कैरेक्टर था उसी की नाजायज़ औलाद थी, और जो हमने दादी देखने के लिए मिली वो भाई हमारे सरकार की मदर थी। और शायद देखो मुझे लगता है कि भाई सरकार जैसा था जिस तरीके से उसे दिखाया गया वो शायद अंधा था, ब्लाइंड था, इसीलिए शायद वो खुद कभी या तो सुरंग में जा नहीं पाया उस कुएं के अंदर, या फिर उसे ज़रूरत पड़ती थी किसी और की, जिसके लिए भाई उसकी माँ थी जो कि भाई वहाँ पर जाकर वो सोना लेकर आती थी, जो कि हमें उसकी दादी भाई एक सीन में बताती हुई भी दिखती हैं कि उनको उनकी ज़रूरत थी। और अगर देखो कहानी के एसेंस से देखा जाए तो भाई हस्तर भी लालची था, उसने पहले सोना हथियार लिया, फिर उसने अनाज की तरफ जब वो बढ़ा तो बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार कर दिया, लेकिन भाई उसके अंदर आज भी उस अनाज का लालच है, वो अपनी मर्जी से उसे छू नहीं सकता, लेकिन भाई लालच है उसके अंदर भी। यहाँ तक कि मूवी के एंड में भी जब उसे इतनी सारी गुड़ियाँ मिलती हैं तो भाई उसके अंदर का लालच भी बढ़ता है, वो अपने कई सारे वर्जन्स बना लेता है, कई सारी बॉडीज़ बना लेता है, जिससे पता चलता है कि भाई वो इतना ज़्यादा लालची है। और भाई हमारा विनायक और उसका बेटा भाई ये तो लालची थे ही, क्योंकि भाई ऐसा प्लान बनाकर ही वो भाई आए थे, क्योंकि भाई उन्हें लालच था और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना निकालना चाहते थे यहाँ से। हमारे विनायक का जो फ्रेंड था जिसको हमारा विनायक भाई सोना बेचता था, वो करेक्टर भी भाई लालची था, जिसकी वजह से भाई उसका भी एंड अच्छा नहीं हुआ। और इस पूरी मूवी में देखो लालच लोगों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी की डेथ से ही ख़त्म होता हुआ दिखा है। विनायक की माँ भाई सरकार को जाके सेक्सुअल प्लेजर्स देती थी सिर्फ एक मुद्रा के चक्कर में, ताकि वो उसे वो मुद्रा दे दे, और ये उसका लालच ही था। लेकिन जब भाई सदाशिव की मौत हुई उसके छोटे बेटे की, तब उसे समझ आया कि यार लालच बुरी बला है, और उसने उसको पाने की कोशिश छोड़ दी।
और वो तुम्बाड़ को वहाँ से छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि जो लास्ट सोने का सिक्का था वो भी उसने भाई विनायक को दे दिया, और विनायक को उसने देने के बावजूद उसे ये चीज़ पता थी कि विनायक उस सिक्के को फेंकेगा नहीं, मगर उसे ज़रा भी चिंता नहीं थी कि अगर वो फेंक भी देता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूवी जैसे जैसे भाई आगे बढ़ती है धीरे धीरे हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि शायद विनायक के अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और एक लालची इंसान से अच्छा इंसान बनने की जर्नी तो उनकी वहीं शुरू हो गई थी जब उसकी दादी को हस्तर का श्राप लगने के बाद उन्हें ये चीज़ रियलाइज हुई कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और इसलिए वो अपने विनायक को रोक भी रही थी। इस श्राप से बाहर निकल, इसका मुझ पे हुआ था, वैसे फिर से देन इनकी फैमिली में जैसे जैसे लालच आगे बढ़ता है उसी तरीके से हमें बढ़ती हुई ये चीज़ भी दिखाई गई कि उसकी माँ को भी ये चीज़ समझ आ गई थी अपने बेटे को खोने के बाद कि लालच बुरी बला है, और उसी अच्छाई की हमें एक झलक यहाँ पर विनायक के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। सोजा रखो, सोजा, रास्ता आ जाएगा। वो भाई जब उस गुफा के अंदर उस कोप के अंदर आता है और अपने दोस्त को इस तरीके से देखता है जितना बुरा हस्तर ने उसका हाल किया था, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए बुरा फील करता है, इसीलिए वो जाते टाइम उसको मुक्ति दे जाता है उसको जलाकर। तो कहीं ना कहीं देखो हमारे विनायक का कैरेक्टर भी थोड़ा अच्छा हो रहा था, हालांकि इस पूरी मूवी में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि भाई बहुत अच्छा हो, दिल का साफ हो, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स भाई इसमें लालची हैं। यहाँ तक कि विनायक की वाइफ भी, जो कि भाई सिर्फ इस लालच में अपने पति को कुछ नहीं कहती है एक और औरत रखने पर, ताकि उसका पति कहीं उसे घर से निकाल ना दे या फिर कमा के लाना बंद कर दे। तो विनायक की देखो बीवी भी कहीं ना कहीं लालची थी, और विनायक तो देखो भाई लालची था ही, क्योंकि भाई वो शहर से भाई यहाँ तक चल कर आया था, सिर्फ उसने इतना टाइम देकर वहाँ पे भाई वो खजाना ढूंढा। विनायक का बेटा भाई विनायक से भी ज़्यादा लालची निकला, जिसने भाई वो प्लान बनाया था कि वो एक बार में जाकर भाई हस्तर का पूरा पंजा निकाल के ले आएंगे, जिससे कि उनके पास बार बार जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि विनायक के पास भाई अच्छा खासा पैसा था, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकता था, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, मगर उसे और ज़्यादा पैसा चाहिए था। तो एक तरफ हमारे कैरेक्टर्स का लालच बढ़ा, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड़िया लेके गए सुरंग के अंदर, और वहाँ पर जब इतना ज़्यादा लालच हस्तर ने उनके सामने देखा तो भाई हस्तर का भी लालच बढ़ा अनाज के लिए, और इस तरीके से भाई हमारे हस्तर भी बहुत सारे हो गए थे जैसा उसका बिल्कुल लालच है। एंड हमारे विनायक को देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई थी कि शायद उसे अब अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा सिर्फ अपने बच्चे के लिए, जो कि उसने किया भी। और वो एंड में जब वो अपने बेटे को पंजा वो पोटली सोने की भरी हुई दे रहा होता है, और उसका बेटा रोते हुए वहाँ पर उसके पैर में आग लगा देता है, और विनायक को हम देखते हैं कि भाई वो हंस रहा है, वो स्माइल कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं देखो स्माइल यही थी कि उसने एट द एंड आज अपने फैमिली का जो लालच की उसकी साइकिल चलती आ रही थी जनरेशन से, आज वो लालच ख़त्म होगा और आज के बाद उसके परिवार में किसी को कोई लालच नहीं होगा, और अब उसकी जनरेशन इस लालच वाले श्राप से मुक्त हो चुकी है। ये कहानी भाई मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर इस सब में लपेटी हुई हमें एक सोशल मैसेज ही देती है, जो कि ग्रीड के ऊपर है। विरासत में मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। लालची है तो ये गुना मुझ में। तो अब आते हैं उन सवालों पर जो कि इस मूवी में अधूरे छोड़ दिए गए और जिनके जवाब हम चाहते हैं कि पार्ट टू हमें दे। अब हाँ, ये मूवी देखो ऐसी फील तो होती है कि भाई इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, मगर इस मूवी में कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए गए जिनका जवाब हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया है, मगर उम्मीद रख सकते हैं कि पार्ट टू में हमें वो चीज़ें जानने के लिए मिले। तो चलो फिर एक एक करके उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, एंडिंग की बात कर लेते हैं। तो एंडिंग में हमने देखा था जो हमें एंडिंग दिखाई गई थी वो कुछ इस तरह की थी, जो कि हम सबको सेटिस्फाई करती है। हालांकि मूवी की देखो ऑल्टरनेट एंडिंग भी थी, जिसमें भाई हमें हमारा विनायक का बेटे का कैरेक्टर भाई वो अपने विनायक की बॉडी को भाई खींचते हुए लेके जाने के दिखाने वाला था, जो कि कहीं ना कहीं देखो रिप्रेजेंट कर रहा था इस बात को कि विनायक का बेटा अपनी पूरी जनरेशन के लालच को ढो के ले जा रहा है, पूरा खींच रहा है उसे, जो कि भाई बहुत अच्छा सीन होता, लेकिन भाई शायद कुछ और उसमें प्रॉब्लम आ जाती, मगर जो एंडिंग दिखाई वो भी काफी अच्छी थी। और देखो इस मूवी की कहानी में भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि भाई इस मूवी का जो मेन नेगेटिव कैरेक्टर है हमारा एंटागोनिस्ट है यानी कि हस्तर, वो भाई ख़त्म ही नहीं हुआ है, वो अभी भी देवी की कोख में आके अगर कोई भी आटे की गुड़िया लेकर जाता है तो वो बिल्कुल आएगा। बेशक हमें इस मूवी की देखो कहानी के एंड में देखने के लिए मिला है कि हमारा पांडुरंगा का कैरेक्टर जो है विनायक का बेटा वो भाई आसानी से कोख से बाहर निकल गया, लेकिन भाई हस्तर देव है वहाँ का, वो भाई मर नहीं सकता,
और इस मूवी की देखो कहानी में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि भाई हमारा जो हस्तर का कैरेक्टर है वो कभी बाहर नहीं आता, ना ही वो किसी के पास जाता है, ना ही उसका हॉरर मूवी का कुछ ऐसा है कि भाई कोई बुरा फेस बनाएगा या फिर कुछ बाहर जाएगा, कोई किसी के पीछे लग जाएगा, किसी को वश में कर लेगा, नहीं। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स भाई इतने लालची है कि वो खुद जाते हैं उसके पास, और यही चीज़ देखो इस कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। पर फिर भी देखो पार्ट वन काफ़ी अच्छा था और भाई मैं इसको और भी आगे देखना चाहता हूँ मैं इसकी कहानी को, मगर पार्ट वन में भाई हमारे पास कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए गए थे जिनका भाई हमें जवाब नहीं मिला, और भाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं और वो शायद इसकी पूरी कहानी को कहीं और लेकर चले जाएंगे। डरा नहीं रहा हूँ, तुम बाढ़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसकी कहानी देखो हमें कई सारे भाई सवाल भी हम पर छोड़ कर जाती है। हमें अब तक देखो दादी की पूरी कहानी नहीं पता और वो इस मूवी के अंदर थी भी, मगर भाई मूवी की लेंथ बढ़ने की वजह से या फिर शायद स्टोरी से डाइवर्ट होने की वजह से वो पूरी स्टोरी मूवी में से हटा दी गई। विनायक के पूर्वजों ने कैसे कब भाई ये वाड़ा बनाया, ये मंदिर बनाया पूरा हस्तर का, इसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सरकार अंधा था इस बात की भाई देख के उसकी आंखों से लगता तो है, मगर भाई इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और अगर वो अंधा नहीं भी था तो फिर सिर्फ दादी ही क्यों जाती थी अंदर, इस बात का भी कोई जवाब नहीं मिला हमें मूवी में। फिल्म में एक जगह पर विनायक की वाइफ ने ये बात बोली थी कि जो भी उसके बारे में बुरा सोचता है, उसके साथ बुरा करता है, तो उसकी मौत हो जाती है। जो भी मेरे से बुरा बर्ताव करेगा वो गुजर जाएगा। शायद कहीं ना कहीं भाई ये कर्मा ही था कि भाई विनायक की डेथ हुई एंड में, या फिर शायद भाई हमें तुम्बाड़ से उसकी वाइफ का भी कोई कनेक्शन देखने के लिए मिल सकता है फ्यूचर में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विनायक की वाइफ कोई विच या फिर कोई और हो जिसके इस तुम्बाड़ के बारे में सब कुछ पता हो। कल तुम भी तुम्बाड़ जाओगे, लेकिन वहाँ क्या है पता नहीं, वहाँ करना क्या है? अब तो तुम जान ही जाओगे ना, फिर तुम ही मुझे बताना। बता दो क्या था वहाँ? वो बाबा और मेरे बीच की बातें, तू घर संभाल आई। शुरुआत में हमें जिस स्टैचू को दिखाकर हस्तर से इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें हस्तर थोड़ा सा अलग दिखता है, लेकिन जो कोक के अंदर है वो हस्तर थोड़ा अलग दिखता है, तो डाउट कहीं ना कहीं ये भी आता है कि ये हस्तर दोनों सेम ही हैं या फिर अलग अलग हैं या फिर ये कोई और है। क्योंकि भाई जो हमने स्टैचू वाला देखा था उसके सर पे क्राउन नहीं है, लेकिन जो कोक के अंदर है उसके सर पर क्राउन है। एंड स्टैचू वाला हस्तर थोड़ा सा हेल्दी लग रहा है, थोड़ा सा मोटा लगता है, लेकिन जो कोक के अंदर रहता है वो भाई काफ़ी सूखा पतला सा है। अब हो सकता है कि चलो अनाज की भूख होगी या फिर सूख गया बंदा पतला हो गया, बट थोड़े से फ़र्क तो हैं। क्योंकि देखो स्टैचू वाला हस्तर जो है वो थोड़ा सा डिसेंट दिख रहा है, वो थोड़ा सा लग रहा है कि नॉर्मल है, लेकिन जो कोक के अंदर रहता है वो भाई प्रॉपरली एक डिमोनिक एंटिटी दिखता है। और जब मूवी की शुरुआत में भाई हमारे विनायक के छोटे भाई की डेथ होती है तो वहाँ पर जो हमारी विनायक की माँ है वो भाई देखने के लिए मिलती हैं कि वो अपने बेटे की डेथ के बाद भी भाई वहाँ से वाड़ा जाती हैं, मगर क्यों इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। उनका बेटा वहीं बैलगाड़ी के अंदर ही मर जाता है, लेकिन वो वहाँ से डॉक्टर के पास ना जाकर वाड़ा जाती हैं और वहाँ से फिर वो अकेले वापस आती हैं, जिसके बाद उनके फेस पर एक कट का मार्क था, उनके कपड़े कुछ फटे हुए थे और उनके हाथ में वो मुद्रा थी जो उन्होंने उस सीन में विनायक को दी थी। मगर भाई ऐसा उन्होंने किया क्या? वो कोक के अंदर गई थी या उनकी किसी से लड़ाई हुई थी, या फिर वो जो मुद्रा हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी मूर्ति के अंदर वो वही मुद्रा चुराने के लिए गई थी? तो इस बात का देखो हमें कोई जवाब तो नहीं दिया गया, मगर पता नहीं भाई इसके बारे में क्या सीन है इसका। मगर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई आखिर विनायक की माँ अपने बेटे सदाशिव के मरने के बाद तुम्बाड़ के अंदर क्यों गई? अभी भी वेद के पास जाना है या शमशान ले चलूं? वाड़ा ले चलो। शायद कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को जिंदा करना चाहती हूँ हस्तर के थ्रू, और शायद उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की हो, या फिर जो अभी देवी की कोख के अंदर रह रहा है हस्तर के रूप में वो शायद कहीं ना कहीं सदाशिव ही निकले। तो देखो थ्योरीज तो बहुत ज़्यादा बनाई जा सकती हैं यार, लेकिन वेट करना पड़ेगा हमें पार्ट टू और पार्ट थ्री का। और पार्ट टू तो भाई इसका आने वाला जो कि इस मूवी का प्रीक्वल होगा। और इस मूवी की कहानी में देखो भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। बाकी चलो देखते हैं इस मूवी के बारे में हमें आगे क्या अपडेट मिलती है तो हम ज़रूर कवर करेंगे। और से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने इस मूवी का कैसे बनी है, कितने साल लगे, उस पूरी डिटेल के बारे में बताया है। और तुम ऐसी किसी मूवी का एनालिसिस चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मुझसे देखो डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द बॉलीवुड की तरफ से मैं हूँ आर्यन, बाय।
Go. You're still here. It's over. Go home.